तो कैसे हैं आप लोग? तो यार यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ड्रैगन बॉल सुपर से रिलेटेड बहुत ही बड़ा न्यूज़, और ये साल का सबसे बड़ा न्यूज़ होने वाला है ये। तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। हमारे पास आ चुका है इस ड्रैगन बॉल सुपर का जो नया मूवी आने वाला है ना डिसम्बर में, उसका एक ट्रेलर निकल के आ चुका है। और उसमें जो एक विलन के बारे में हम लोग बहुत टाइम से बात करते कि इसका जो विलन होने वाला है बहुत ज़्यादा सही होने वाला है, बहुत ज़्यादा कूल होने वाला है, और वो विलन कौन हो सकता है इसके बारे में भी जो है वो हम लोग को क्लू मिल सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़, और स्पेशली जो वो ट्रेलर निकला ना भाई, वो तो कुछ कम का ही। उसमें हम लोग गोकू और उस वो जो विलन है उसके बीच में एक थोड़ा सा फाइट देखते हैं। उस विलन का चेहरा तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन यार वो फाइट बहुत ही ज्यादा कमाल है, और इसका जो एनिमेशन है वो तो यार कुछ अलग ही लेवल पे। और उस मूवी के रिलीज का क्या होने वाला है, मतलब क्या हम लोग को इंग्लिश सबटाइटल वर्जन मिलने वाला है, और क्या ऐसा एक चांस है कि भाई ये मूवी जो है वो इंडिया में रिलीज हो सकता है? तो इन सभी बातों के लिए जानने के लिए यार वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी उस लाल वाले बटन को दबा दीजिए और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कमाल के वीडियो सबके लिए लाता रहता हूँ जल्दी से जल्दी। और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जो भी एनिमे से रिलेटेड न्यूज़ है उसको आप सबसे पहले देख सके। तो बिना वक्त गवाए इस मूवी के ट्रेलर को देखते हैं। तो यार ट्रेलर तो आप लोग ने देख लिया, और कमाल का ट्रेलर। अगर आप लोग सोच रहे कि भाई इसमें क्या कमाल था, एक छोटी सी झलक तो हमें दिखी, तो यार मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेलर आप लोग ने देखा ना, ये सिर्फ एक हफ्ते में बनाया गया, सिर्फ एक हफ्ते में इस पूरे ट्रेलर को बनाया गया। अब आप लोग पूछेंगे इसमें क्या कमाल है, मतलब अगर यार अगर ड्रैगन बॉल सुपर जैसे एनिमे बनाया जाता है उसी हिसाब से यार अगर इस ट्रेलर को बनाते तो इस ट्रेलर को बनाने में कम से कम उन लोग को 1 से 1.5 महीना लग जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है वो एनिमेशन प्रोसेस को बिल्कुल अलग तरीके से लिया गया है, इसकी वजह से जो है वो यहाँ पे एनिमेशन तो कुछ सही है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें, और जो एक्शन होने वाला है जो गोकू और बाकी सारे लोग जो फाइटिंग करने वाले वो भी यार कुछ अलग ही होने वाला है। हाँ इस मूवी में जो बहुत सारा एक्शन होने वाला है और ऐसे फ्लूइड एनिमेशन होने की वजह से यार जो स्टोरी होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा सही दिखने वाला है, और एनिमेशन यार वर्ल्ड क्लास होने ही वाला है। तो इसके पहले कि इस ट्रेलर के बारे में और ज्यादा हम लोग बात करें, और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो मूवी होने वाला है उसका विलन कौन होने वाला है। हाँ ये विलन कौन होने वाला है ये थोड़ा बहुत हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रेलर कैसे निकला। तो यार बैंडाई नामको जो कंपनी है वो लोग यार अपने यूट्यूब चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे जहाँ पे वो लोग अपने नए नए गेम्स के बारे में बता रहे थे। उसमें यार अचानक से ड्रैगन बॉल सुपर के दो प्रोड्यूसर्स आए और उन लोग ने बोला कि हम लोग को ड्रैगन बॉल सुपर के मूवी के बारे में कुछ अनाउंसमेंट कर रही है। ये बिल्कुल भी कहीं भी प्लान नहीं था, मतलब कहीं ऑडियंस को बताया भी नहीं गया था कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। वो लोग अचानक से आए और उन लोग ने ट्रेलर रिलीज कर दिया, मतलब ये ड्रैगन बॉल सुपर वाले कभी भी आ जाते हैं और हम लोग का हाइप बढ़ा के चले जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस मूवी का जो विलन होने वाला है वो कौन होने वाला है, और ये बात मुझे कैसे पता? अभी यार ये जो बात होने वाली है ना कोई भी यूट्यूब पे चैनल पे आपको कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि यार वो लोग किसी ने भी जो है वो बैंडाई नामको का लाइव स्ट्रीम नहीं देखा होगा। तो उसमें क्या होता है भाई, वो लोग जब वो लोग दोनों प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग लोगों को बताते कि हम लोग ये ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं, तब जो एक प्रोड्यूसर होता है वो बताता है कि ये जो विलन होने वाला है ना वो एक सैयन होने वाला है। हाँ वो एक सैयन होने वाला है। तो अगर आप लोग को मेरे बात पे विश्वास नहीं होता है ना, तो वो अब वो यार लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुका है। मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वो टाइम स्टैम्प दे दूंगा जहाँ पे आप लोग जाके सुन सकते हैं कि भाई वो लोग खुद बोलते हैं कि इस मूवी का विलन जो है ना वो एक सैयन होने वाला है। अभी यार जो हम लोग ने जो विलन देखा उसके कुछ अलग ही ऑरा थी, उसके कुछ ग्रीन कलर की ऑरा थी। अब इसके बारे में वो जो दो प्रोड्यूसर्स आते वो भी बात कर रहे थे कि भाई उसकी जो ऑरा है वो ग्रीन कलर की थोड़ी अलग ऑरा है, तो इसके बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर सीक्रेट होने वाला है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये विलेन कितना स्ट्रांग होगा, तो यार अगर अगर आप लोग को पता होगा और आप लोग मेरे वीडियोस आप लोग ने देखे होंगे तो मैंने बताया था कि ये जो मूवी होने वाली है वो ड्रैगन बॉल सुपर का कंटिन्यूएशन होने वाला है, मतलब टूर्नामेंट ऑफ पावर जहाँ पे खत्म होता है वहीं से जो है वो ये मूवी स्टार्ट होने वाली है। मतलब यार जो विलन होने वाला है वो एटलीस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पे तो होना ही चाहिए, वरना यार वो अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को टक्कर कैसे देख पाएगा। तो यार यहाँ पे जो है वो एक अजीब सी एकदम ही मतलब एकदम ही हटके जो है वो एक स्टोरी लाइन मेरे को याद आ रही है, मतलब मेरे को ऐसा चाहिए कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो यार बहुत ज़्यादा कमाल का स्टोरी लाइन है। तो कुछ ऐसा स्टोरी लाइन है कि जो सैयन जो विलन होने वाला ना वो एक्चुअली यूनिवर्स 7 का पहले का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, फिर यार बीरस ने कुछ ऐसा कर दिया और उसको जो है वो उल्लू बना दिया और उसके जगह पे खुद जो है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया। अब जो वो पहले से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था तो इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब जो है वो उस
अब यार जो बीरस ने उसको उल्लू बनाया था वो उस ट्रैप में से बाहर निकल चुका है, जहां पे यार बीरस ने उसको कैद करके रखा हुआ था उस ट्रैप में से जो है वो सैयन बाहर निकल चुका है और अपने बदले के लिए वो तरस रहा है, और वो जो है वो बीरस के सामने चला जाता है और बीरस को वो मार देना चाहता है। अब जो सारे बाकी सारे सैयन्स होते हैं वो यार बीरस को बचाना चाहते हैं क्योंकि बीरस उनको बहुत ज्यादा पसंद होता है, और जो बाकी हमारे सारे सैयन्स हैं कोकू हो गए, वेजिटा हो गया, गोहान हो गया, और यूनिवर्स 6 के सैयन शायद होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। अब ये जो सारे सैयन्स होने वाले वो यार बीरस के लिए साथ में लड़ेंगे और उस सैयन के सामने लड़ेंगे, और अब यार यहाँ पे जो वो सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा वो यार पहले से बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए, तो इसके लिए उसको सैयन्स के बारे में सारी हिस्ट्री पता होगी, और यहाँ पे जो है वो हम लोग को नए नए राज पता चलेंगे कि भाई सैयन्स इतने स्ट्रांग कैसे है, मतलब वो अपने ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकते हैं, ये सारे राज शायद हमें पता चल सकते हैं। तो अभी जो भी मैंने स्टोरी बताई ये कोई ऑफिशियल स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ मेरी थियरी है कि भाई ऐसी स्टोरी हो सकती है, तो इसको भी एकदम ही पक्का मत ले लेना कि भाई यही स्टोरी होने वाला है मूवी में, ये सिर्फ मेरी थियरी है। अब बात करते हैं इसके रिलीज के बारे में, ये कहाँ कहाँ पे रिलीज होने वाला है और कौन से डेट को रिलीज होने वाला है। अब देखो यार आप लोगों को तो पहले से पता होगा कि ये जो मूवी है वो 14 दिसंबर 2018 को जो है वो जापान में रिलीज होने वाला है, लेकिन भाई हम इंग्लिश वाले लोगों का क्या जो इंग्लिश में ये सारी मूवीज देखते हैं, तो यार वो लोग ने बोला कि जब हम लोग ने रिजरेक्शन ऑफ फ्रीजा का मूवी जो है वो पूरे दुनिया भर में रिलीज किया था, तब यार उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा सक्सेस मिला था, और इसकी वजह से जो है वो हम लोग वो रिपीट करने वाले और ये जो नया मूवी होने वाला हम पूरे दुनिया भर में रिलीज़ करने वाले, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि यूएस और यूरोप में तो ये मूवी ज़रूर रिलीज़ होने वाली, लेकिन भाई एशियन कंट्रीज़ का क्या, तो लोग ने बोला कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ में इसको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर बड़ा सवाल आता है कि भाई ये इंडिया में रिलीज़ होगा कि नहीं, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि भाई इंडिया में रिलीज़ होगा कि नहीं, लेकिन वो लोग ने बोला कि वो लोग काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज़ में जो है वो इसको रिलीज़ करने वाले, तो देखते हैं भाई इसमें जो है वो इंडिया का नंबर आता है कि नहीं। तो बस यार ये था कुछ न्यूज़ ड्रैगन बॉल सुपर की न्यू मूवी से रिलेटेड, तो यार बहुत ही ज़्यादा कमाल का ट्रेलर था और इसका हाइप जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, इसका मुझे एक्शन होने वाला है वो तो यार नेक्स्ट लेवल का एक्शन होने वाला है। और यार हम लोग ने आज तक कभी वेजिटा के सिवाय किसी भी सैयन को जो है वो विलेन के रूप में नहीं देखा, अब नापा को उसमें काउंट मत करना, मैं मेन विलेन की बात कर रहा हूँ, वेजिटा के अलावा कोई भी मेन विलेन कभी भी सैयन नहीं था, तो यहाँ पे जो वो एक सैयन मेन विलेन को होते हुए देखने को यार बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाला है। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूले भाई, इतने रात गए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो लाइक ज़रूर दे, और कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना कि आप क्या लगता है मूवी में क्या होने वाला और आपको वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये न्यूज़ जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं अगले ड्रैगन बॉल वीडियो में।